खुशी पाने के लिए हमें दुख संकट का सामना करना जरूरी है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दुर्भोग का दूसरा सप्ताह का बुधवार है। आज के सुसमाचार के प्रथम भाग में यीशु अपने दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी करते हैं। अपने जीवन काल में यीशु ने 3 बार अपने शिष्यों से कहा कि वे दुख भोगेंगे, मरेंगे, और प्रत्येक बार उन्होंने उन्हें यह अच्छी तरह समझाया था कि वे मृत्यु के बाद फिर जी उठेंगे। जब प्रभु यीशु अपने मरण और पुनरुत्थान के विषय में अपने शिष्यों से चर्चा करते हैं तो शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु यीशु के पुनरुत्थान के बाद ही शिष्य लोग यीशु के दुख भोग और मरण को समझ पाते हैं। पुनरुत्थान यीशु क्रिस्त का उनके जीवन दान के लिए पिता ईश्वर के द्वारा दिया गया इनाम है। यदि हम यीशु के अनुयायी के रूप में अपने जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करेंगे तो बदले में हमें पुनरुत्थान का वरदान मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि दुख संकट से हमें भय होता है, जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, फिर भी हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे खुशी से सहन करना चाहिए। हमें ज्ञात है कि मृत्यु के द्वारा ही पुनरुत्थान संभव है। इसी तरह खुशी पाने के लिए हमें दुख संकट का सामना करना जरूरी है। हम प्रार्थना करें कि हम दुख संकट को पार कर अनंत जीवन प्राप्त कर सकें।